मैं डॉक्टर तेजस्वी पटेल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। देश की प्रतिष्ठित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेलोर से DM कार्डियोलॉजी की डिग्री मैंने हासिल की है। करंटली आई एम वर्किंग एज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। मित्रों, आज मैं हार्ट की नस में कैल्शियम की अधिक मात्रा में जमा होने की वजह से पत्थर की तरह सख्त ब्लॉक को क्लियर करने के लिए रोटेशनल एथरेक्टमी नाम की प्रोसेस एंड डिवाइस के बारे में बताऊंगा। 64 साल के एक सज्जन जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाई 2-3 साल से ले रहे थे, उसको कुछ दिनों से 500 मीटर चलने पर भी सीने में तीव्र दर्द, जिसको एंजाइना बोलते हैं, वो हो रहा था। उसका ECG और इको करने के बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एंजियोग्राफी के लिए एडमिट किया गया। उनकी एंजियोग्राफी करने से पता चला कि हृदय की एक नली, जिसको LAD बोलते हैं, उसमें 90% ब्लॉक था। हृदय की एक मुख्य नली, जिसको लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसमें भी 50% ब्लॉक था। ब्लॉक में कैल्शियम की अधिक मात्रा में जमा होने की वजह से पत्थर की तरह ब्लॉक सख्त हो गया था। उसको इलाज के लिए बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी दोनों विकल्प के बारे में समझाया गया। बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी में से कौन सी ट्रीटमेंट बेटर है, वो डिसाइड करने के लिए सिंटेक्स स्कोरिंग किया गया। सिंटेक्स स्कोर एक स्कोरिंग प्रणाली है जो कोरोनरी एंजियोग्राम के आधार पर होती है। वो ब्लॉक की जटिलता को बताती है। जब हृदय की एक से ज़्यादा धमनियों में ब्लॉक है, यानी कि मल्टीवेसल डिसीज है, या फिर हृदय की बाएं तरफ की मुख्य कोरोनरी धमनी, जिसको लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसमें ब्लॉक है, उस स्थिति में सिंटेक्स स्कोर किया जाता है। और सिंटेक्स स्कोर बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी का निर्णय लेने में सहायक होता है। सिंटेक्स स्कोर के मुताबिक इस पेशेंट में दोनों विकल्प, बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, दोनों उसके लिए समान रूप से अच्छे थे। पेशेंट की इच्छा को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के लिए लिया गया। एंजियोग्राफी में कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से पत्थर जितना टाइट ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट को स्पेशल प्रोसीजर रोटेशनल एथरेक्टमी एडवाइस की गई, और ब्लॉक में से कैल्शियम को दूर करने के लिए स्पेशल रोटेशनल एथरेक्टमी की स्पेशल प्रक्रिया शुरू की गई। माइक्रो ड्रिलिंग के जरिए पत्थर की तरह सख्त ब्लॉक को साफ कर दिया गया, और उसके बाद मेडिकेटेड यानी कि ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट ब्लॉक के स्थल पर प्रत्यारोपित किया गया। रोटेशनल एथरेक्टमी और स्टेंटिन की प्रक्रिया से टाइट पत्थर जितना टाइट ब्लॉक को 100% क्लियर कर दिया गया। सज्जन जल्दी से स्वस्थ होने लगे और अगले ही दिन उसको छुट्टी दे दी गई। अब वो सज्जन बिना किसी समस्या के 5 किलोमीटर तक चल सकते हैं। रोटेशनल एथरेक्टमी का पहली बार प्रयोग 1989 में किया गया। हृदय की धमनी में कैल्शियम के जमाव के कारण बलून के द्वारा ब्लॉक साफ कर पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे सख्त ब्लॉक को तोड़ने के लिए रोटेशनल एथरेक्टमी का प्रयोग किया जाता है। रोटेशनल एथरेक्टमी में रोटाब्लेटर, जो एक विशेष उपकरण है, वो यूज किया जाता है। उसकी नोक हीरे के छोटे टुकड़े से बनी हुई है। यह एक सूक्ष्म ड्रिलिंग मशीन की तरह काम करता है। इसकी साइज 1.25 से लेकर 2.5 मिलीमीटर तक होती है। इसकी नोक जो हीरे की है, वो ब्लॉक के अंदर बहुत तेजी से घूमती है और कैल्शियम को बारीक सूक्ष्म कणों में तोड़ देती है। ये सूक्ष्म कण रक्त के प्रवाह के साथ क्लियर हो जाते हैं। इस प्रकार यह अवरुद्ध धमनी को खोलता है और बलून और स्टेंट के लिए रास्ता बनाता है। रोटेशनल एथरेक्टमी का प्रयोग तब किया जाता है जब ब्लॉक में कैल्शियम की अधिक मात्रा में जमा होने की वजह से ब्लॉक पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। धमनी में कैल्शियम के जमाव के कारण बलून के द्वारा ब्लॉक साफ कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इस केस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर या ईमेल के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन दिस केस। थैंक यू वेरी मच।